तो बड़ा मजा घटा यार स्कूल में है भाई, जो मजे है उसके बाद कॉलेज चले जाओ वो भी टाइम ऐसा ही है भाई। चुप चुप बोल यार, समय का पता नहीं चलता तेरे मुंह से निकली बात। फिर तो मैं यही कहना चाहूंगा महाकाल की कृपा थी मेरे पे जो रात भी रात में पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं फोड़ने चाहिए, ऐसा क्या है कि प्रतिबंध लगाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, और इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मार्केटों में तो अभी पूरी धूमधाम मची हुई है। मैं देखो सुबह से मैं क्या बोलूँ यार, मैंने एक व्लॉग एडिट किया है, उसके बाद मेरे दोस्त के पास जाना था जिसके लिए कि मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, और उसके पीछे का भी एक सिली रीज़न है, मैं ज़्यादा टाइम आपको बताऊँगा। और दोस्त भी बेचारा यहाँ का नहीं है कि कभी दोबारा मिल सके, वो आया है राजस्थान से, जिसके पास हम राजस्थान गए थे ना वही आया हुआ है घर पर। तो वो कल भी फ़ोन कर रहा था, कल भी मैं पिक नहीं कर पाया। मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, और मैं लेट क्यों हुआ वो सुनोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। पर इससे पहले मेरे को निकलना पड़ेगा फटाफट, क्योंकि आज बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होगी, दीपावली आने वाली, कल दीपावली है इसीलिए। तो पहली प्रायोरिटी यही है कि मैं फटाफट आने को, तो कुछ दिन पहले ही आया, बट केक एक दो दिन पहले ही आया, पहले मना कर रहा था। एक दिन बीच में बात हुई थी जब मेरी उंगली जल गई थी, तब वो देख के उसने कॉल किया था, तब मैंने कहा था आ रहा है कि नहीं आ रहा दीपावली पर, तब कह रहा था कि मैं नहीं आऊँगा इस बारी, फिर भाई आ गया यार, पता नहीं कैसे आ गया, क्या मूड बना उसका। प्रिपरेशन के लिए आया, प्रिपरेशन के लिए आया, कह रहा था मैं लास्ट टाइम में, इसके बाद सीधा ही मैं मार्च में आऊँगा, बीच में नहीं आने वाला, तो आज हम मिल ले। मैंने कहा ठीक है यार मिलते हैं। भाई क्या हुआ कि कल भी उसने फ़ोन किया था, कल सुबह फ़ोन किया था, सुबह मैंने फ़ोन देखा, मैं सोचा घर जाके करूँगा, फिर मैं घर गया, फिर मैं पता नहीं कैसे रहा, भूल गया, फ़ोन ही यूज़ नहीं किया मैंने सारा दिन, फिर घर आने के बाद और देखा भी तो मैंने फ़ोन, फिर उसका ना वो डायलर नहीं खोला, तो मेरे को पता ही नहीं चला यार कि उसका मिस कॉल आ रखा है, रात को याद आया मेरे को। और मैं लेट क्यों हुआ ये सुनोगे तो वही यकीन भी नहीं करोगे, सच बात है कि झूठ बात है। मैंने और भाई ने ना पहले मेरे को 10 बार बोला था भाई तू इतने टाइम पर आ जाएगा ना, मैंने उसे 12 बजे फ़ोन किया था, वो तो कहता है भाई कितने बजे तक आएगा, मैं कहा 1 बजे तक आ जाऊंगा, मैं कहा ठीक है। और हुआ क्या ना, जिस घड़ी को मैं देख रहा था ना उस घड़ी में 12:15 हो रहे थे, तो मैं तैयार व्यार नहा धो के सब कुछ रेडी होके बैठा हूँ, मैं कहा 12:15 ही हो रहे हैं, 12:15 ही हो रहे हैं। जब मैंने गौर से देखा ना, मैं देखा घड़ी तो स्टक हो चुकी है, वहीं की वहीं पर अटकी हुई है, उसके बैटरीज वगैरह ख़त्म हो गए होंगे तो वो 12:50 निकला ही नहीं मेरे दिमाग से। और बाद में जब मैंने फ़ोन में टाइम देखा, मैं कहा यार ये तो 1 बज गया। मैप भी देखना है मेरे को, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया तो था उसके घर, पर क्या है ना कि मुझे याद नहीं रहता, फिर इस साइड को मैं आया कम, तो मेरे को याद भी नहीं है कि ऐसा कुछ भी है बोल के। अरे बाबा क्या कर रहे हो, तो तू मना कर रहा था दिवाली पे, मुश्किल है। हाँ बस ये छोटे मोटे काम करने के लिए आना है। ये छोटे मोटे काम है चले चलिए। हेलमेट तो बड़ा खतरनाक उठाया हुआ है, कितने क्रैश हुए इस पे जो घर पे अवेलेबल था। अच्छा जैसे ये एयर कूल्ड है ना, तो एक सेंसर होता है, तो वो इंजन के साथ ECU से ना कनेक्टेड होके इंजन को बताते हैं कितनी ऑक्सीजन आ रही है, यानी कि हवा आ रही है, तो वो उसमें पंगा है, प्लस जो एमिशन सेंसर होता है उसमें भी पंगा हो सकता है। पर कल जो एरर आ रहा था, एरर उन्होंने इरेज कर दिया तो नॉर्मल हो गया, इन फ्यूचर आएगा तो मेरे को फिर दोनों चेंज कराना पड़ेगा, उन्होंने लगा दिया है ऑर्डर पे, जब आएगा तब देखा जाएगा। तो ये बात जो हो रही है वो उसी की हो रही है कि इंजन लाइट का क्या हुआ, क्योंकि कल जब सर्विस सेंटर में काफ़ी टाइम गुजरा ना, तो मैंने इसको बताया था कि मैं सर्विस सेंटर में हूँ, तो वही बोल रहा है देखो आज कोई एरर नहीं है क्योंकि ठीक हो गया है फिलहाल के लिए। इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं, और मैं और जुबिन, इसको तो आपने ज़रूर देखा होगा क्योंकि इसी के पास गए थे हम राजस्थान झालावाड़ है ना, झालावाड़ भूल जाता हूँ यार। और अभी हम दोनों जा रहे हैं सेक्टर 20। आ रहे आ रहे आ रहे जरूर, अभी तो देखो कोशिश है, जैसे कि मैंने खुद जुबिन तेरे को पता ही होगा सोचा हुआ है 21 days 21 vlogs,
किसी भी तरह कैसे भी कंप्लीट करना है, तो उसी तैयारी में है भाई। 75 हार्ड डे चैलेंज ले ले। मेरा 75 सही कह रहा है, सही कह रहा है। अब बात क्या है, मैंने काउंटिंग नहीं करी और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं 21 दिन करूँगा, वरना जैसे लोग हार्ड 75 हार्ड डे स्टार्ट करने से पहले पूरा एक फिल्मी स्टाइल में इंट्रोडक्टरी बनाते हैं ना कि मैं ये करने वाला हूँ, ऐसे करने वाला हूँ, वैसे करता तो एक ब्लॉग तो वही हो जाता मेरा है ना। और उसके बाद अब दिवाली पर से नया चैलेंज। अरे भाई मेरे दिवाली से स्टार्ट नहीं करना, दिवाली तक तो 7 दिन हो गए हैं, तो 7 दिन एक्स्ट्रा खींच जाएंगे ना ना। वो एक भाई स्टार्ट हो चुका है, 1 काउंट कर लो आप पीछे से ही, दिवाली से नया काउंट नहीं। तो अभी देखो कोशिश जारी है और लगी हुई है, पता नहीं कब तक चलेगी, पर चलेगी लंबी। ये वाला एरिया तो बड़ा चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। ये जो फ्लाईओवर जा रहा है ना, ये नीचे नहीं उतरेगा, आगे जाए ढकली वाला मोड़ है ना वो देख, वहां जाके उतरेगा। जिरकपुर जाना है वहीं से दूसरा हाईवे पकड़ लो, साथ के साथ सीधा जिरकपुर उतरोगे। और लास्ट मॉनसून पे ना बहुत बुरा हाल था इस जगह का, अब देखो चेंज हो गया है। कालका शिमला जाना है, ये वाला हाईवे पकड़ो, सड़क भी खुली हो गई है, खुली हो गई। ये जो था ना यहाँ पर था, ये जो मिट्टी से गिरी हुई है यहाँ तक, हम लोग जब स्कूल में थे यहाँ से स्कूल से आते थे, यहाँ से साइकिलें टपाते थे, वो पीछे वाला पूरा रास्ता। हाँ इधर से तो बहुत सारी यादें जुड़ी है, क्योंकि स्कूल बिल्कुल पास में था मेरा यहाँ पे, और हम सारे साइकिल वाले ओ टाप टाप के जाते थे, तो बड़ा मजा काटा यार। स्कूल में है भाई जो मजे हैं, उसके बाद कॉलेज चले जाओ, वो भी 10th तक, उसके बाद कॉलेज चले जाओगे ना, प्लस वन प्लस टू में आपको बर्डन इतना आ जाएगा अगर कॉमर्स और नॉन मेड ले लिया तो, ठीक है। और कॉलेज चले गए तो कॉलेज में तेरे को जो भी पता ही है, हम दोनों एक ही कॉलेज के हैं वैसे बता दूं, और एक ही जगह में थे, एनसीसी में थे और एक ही कॉलेज में थे। हमारे स्कूल नहीं, हमारे कॉलेज नहीं हुआ करता था ना कोई क्लास, कॉलेज तो नाम की होता, नाम का ही हुआ करता था। हम बाहर खड़े होते थे, टीचर हमारे सामने से चला जाता था, और अटेंडेंस शॉर्ट पहुंचते ना, पुराना जमाना ये आ गया, कुछ नहीं होता, 200 देखो इसके कहने का मतलब ये है कि हमने एनसीसी में थे तो एंड ऑफ द ईयर हम, या एंड ऑफ द सेमेस्टर ऐसे बोल देते थे, हम एनसीसी में आर्मी विंग में हैं, ये हमारी अटेंडेंस वहाँ पे लगती है, तो वो अटेंडेंस दिखा के हम काम चला लेते थे। ये थोड़ा बोलने का तरीका इसका थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है सोशल मीडिया के हिसाब से, तो मैं करेक्शन कर रहा हूँ आपके सामने मुंह पे फेंकना जैसा कुछ नहीं हुआ करता था। अगर 200 रुपये दे भी देना हम तो हमारे लिए बड़ी डील नहीं है। बच्चों के आते थे 4,000-5,000 रुपये फाइन, और हम 200-150-200 ऐसे देके हम कॉलेज को ही देते थे, कॉलेज को देके अपना फ़ाइन वो करवा लेते थे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी छूट, जीरो होता था भाई। हाँ थोड़ी सी छूट होती है हमें अटेंडेंस की होगी, और बाकी एंड ऑल ये लगता नहीं है फीस इतना, नहीं इस कॉलेज की फीस बराबर लगती है भाई, उसमें छूट नहीं होती। तो फिर जब भी हम मिलते हैं तो फिर वही पुरानी बातें स्टार्ट हो जाती है। मुझे लग रहा है आधी सी बातें ना, तो आधी से ज़्यादा तेरे को क्रॉप करनी पड़ेगी है क्रॉप नहीं करूँगा मैं, क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ अभी हम सखी के पास जा रहे हैं। सखी मीन्स सखी जगह का नाम है, फ्रेंड वाली सखी नहीं है, ये वो सखी है जो बहुत पैसा डिमांड करेगी। ये हेलमेट पहनने के साइड इफेक्ट है कोई देखेगा तो यही बोलेगा जैसे इसने बोला मेरे को अभी, इन जो निशान पड़े हुए कि थप्पड़ थप्पड़ लगे किसी से मार खा के आए हो, ऐसा नहीं रखा तो साइड में ऐसा नहीं है भाई, चुप चुप बोल यार, समय का पता नहीं चलता, तेरी मुंह से निकली बात पता नहीं कब सच हो जाए। दिवाली के टाइम पे दीवे चुरा रहा था पुलिस की चौकी में, कोने में बिठा रखा मैं मार के, इतना ब्लंट भी मत हो भाई, पता नहीं कोई सुनेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा ये बात। एक तो भाई जिस काम के लिए हम लोग निकले ना, उस काम में 2 बंदों का जाना बिल्कुल ही अच्छा सा नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि अगले वाले अगले का सवाल क्या होता है, किसके लिए चाहिए। Thousands of tears later.
अब किया है ना, पहले नहीं किया। जैसे कि मैंने बोला बहुत सी बातें काटने वाली है। अरे यार, एक तो गन्ने के जूस के लिए घूमना पड़ा बड़ा लंबा यार। एक तो आजकल ये सबको टाइम चल रहा है, सबका चल रहा है वायरल के कारण, टाइफाइड है डेंगू, दोनों में से एक चीज़ तो होना ही होना है। मैं खुद झेल के बैठा हुआ हूँ, तो बड़ा बुरा हाल है। अभी वहाँ तो देखो बात नहीं बनी, तो हमने वहाँ पता किया तो कल कहीं और जाना पड़ेगा। उन्होंने हमें नई जगह सजेस्ट करी है कि वहाँ जाके आप पता कर सकते हो। भाई बड़ा बिजी है आजकल, चलो एक दो दिन के लिए है तो जब तक चलते हैं। बट इसकी बातें सुन के तो डर से लग रहा है यार, अपनी कहानी सुना रहा है ना जो, ये खतरनाक है। ओ सामने वाले टायर में 60 थी भाई प्रेशर। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये बताना, बताओ ये पागल है बंदा। उस दिन आपको पता होगा हम महाकाल मंदिर गए थे ना, तो 200 मैंने चलाई थी NS 200 इसकी। बाद में भाई हफ्ते बाद फोन करके बोल रहे कि उसका अगले टायर का प्रेशर 69 था, वो भी वेट रोड पे। मैं कहा शुक्र है कुछ हुआ नहीं। अरे भाई मैं मुझे खुद नहीं समझ आया 69 हुआ कैसे। यही से ना, मैंने एक रात पहले प्रेशर चेक करवाया था बस। अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं, मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी थी। कह रहा था ना यार 90 से ऊपर नहीं जा रही। हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कहा यार 130 से मक्खन की तरह जाती है। तो फिर कैसे जाएगी बाइक, हैवी हो रखी ऊपर से, मैं हैवी ऊपर से बाइक 70-70 प्रेशर, 65-65 प्रेशर करवाया हुआ, शायद वो भी एक रीज़न हो सकता है पिछला तो वैसे। हाँ फिर तो मैं यही कहना चाहूँगा महाकाल की कृपा थी मेरे पे। जो रात भी रात में ही बारिश के टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ। ये तो फिर भी विस्टोम लेके बैठा हुआ था आराम से। पर जो मर्जी बोलो, NS 200 का पूरा मेरे को एक्सपीरियंस हो गया। सूखे रोड पे भी चला ली, गीले रोड पे भी चला ली, ऑलमोस्ट की टॉप स्पीड तक भी चला ली। वो बात अलग है कि बीच में जा नहीं रही थी, बट ट्राई किया, दबा के ट्राई किया। अब तो जैसे बाइक लेके आऊंगा ना, हाँ अब तू चलाइयो, अब तेरे को फर्क महसूस। एक बार तो मैं चंडीगढ़ में आके बाइक को ठीक करवाऊंगा। यार वहाँ पे वो ठीक कैसे करेंगे, वहाँ पे वो कहते हैं बेचारे कि ये NS 200 है, ये तो यहाँ की प्रीमियम बाइक है, दिखती नहीं है वहाँ पे, बिकती नहीं है, क्योंकि वो बहुत पीछे का, बैकवर्ड नहीं बोलूँगा बट पीछे का इलाका है जहाँ पे, वहाँ के लोग खुद कहते हैं बहुत बैकवर्ड है। हाँ इतना डेवलप नहीं, और MP बॉर्डर के साथ लगता है, तो वहाँ तो ऐसा प्रीमियम होना ही था। कल मैं दोपहर इसी टाइम को चलेंगे जिस टाइम को मैं आया हूँ, है ना, क्योंकि वहाँ भी फिर टाइम ही लगेगा ज़्यादा। The next day. So, ये है अगला दिन, और देखते देखते दिवाली का दिन भी आ गया है। दीपावली भी बोल रहे 2 दिन है, आज 12 बजे से लेकर नेक्स्ट डे 12 बजे तक, तो 2 दिन। तो कल का दिन कुछ खास हो नहीं पाया, मैं और जुबिन गए थे शॉपिंग के लिए, वो भी मेरी तरह ही है, एक चीज़ एक जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो हम लोग वहाँ घूमते रहे और एट लास्ट फिर घर आ गए थे, तो कुछ हो नहीं पाया ज़्यादा। वैसे तो प्लान हंटर की डिलीवरी में जाने का भी था, जैसे कि मैंने बताया था हमारे ग्रुप का एक भाई हंटर खरीद रहा था कल, बट इतना लेट हो गए थे कि जा नहीं पाया, फिर मेरे को घर आना पड़ा, डायरेक्ट मैं घर आ गया था। और फिर जैसे कि फेस्टिवल का टाइम है, और फिर शाम को भी क्या हुआ, फेस्टिवल का टाइम है ना, तो सारे दोस्त घर आ रखे हैं, खासकर मेरे स्कूल फ्रेंड्स घर आए हुए थे, तो फिर वहाँ पर मिलना जुलना हुआ, और पूरी शाम वैसे गप्पों में निकल गई काफ़ी देर तक। हम 10:30 या 11 बजे तक हम सब बातें ही करते रहे तीनों मिलके, हम तीन ही थे, मैं था और मेरे दो और फ्रेंड थे, स्कूल फ्रेंड्स थे, तो काफ़ी दिन बाद मिले, तो फिर काफ़ी दिनों का जो बचा हुआ होता है सब कुछ बातें करनी होती है ना, तो वो करते रहे, वो टाइम निकल गया। सो देखते देखते दिवाली भी आ गई, और दिवाली के साथ वही हर साल की तरह डिबेट भी चालू हो गया है, खासकर न्यूज़ चैनल में मैं सुबह से देख रहा हूँ, पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं फोड़ने चाहिए, ऐसा क्या है कि प्रतिबंध लगाया जाए, और क्या सोचे कि नहीं फोड़ना चाहिए, ये सब फोड़े या ना फोड़े वाला बातचीत चल रहा है अभी भी, सब आपस में डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे को लेके। अगर मेरे से पूछो कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं सही बताऊँ तो दिवाली के दिन मैं तो पटाखे नहीं फोड़ता। सो ये वाला व्लॉग कुछ ऐसे ही था नॉर्मल, बट अभी मैं जाता हूँ रंगोली खरीद के लेकर आता हूँ, बाहर नहीं जा सकते तो घर में कुछ करेंगे, और फिर इस व्लॉग को मैं यहीं तक एंड करता हूँ, अगला व्लॉग हो सकता है इसके बाद से स्टार्ट करें, क्योंकि ये तो लंबा हो ही जाएगा। आई होप सो कि आपको ये पसंद आएगा, और आप दिवाली के बाद देख रहे हैं तो आप सबको हैप्पी दीपावली,
हैप्पी भैया दूज है ना, सब कुछ। सो एंजॉय करो। हो सकता है आप लोगों कईयों ने पटाखे, काफ़ी ज़्यादा पटाखे फोड़े होंगे, कईयों ने नहीं फोड़े होंगे, वो आपकी मर्जी। पर आपने मैं आशा करता हूँ आपने दीपावली इंजॉय करी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, मेरे दिमाग में है एक रंगोली, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।